अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग फिर करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट होने से पर अगर आपने तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डिसलाइक कर लें। हैं, डिसलाइक कर दें, डिसलाइक कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें। दफा हो, मैंने अपना कुत्ता ही नहीं ले गया। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। पहले क्या, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर मैं लूंगा लीजा को। डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करें, जा दफा हो यहाँ से। चल, ये अब्दुल्ला आपने डोगी को बाहर लेके फिर रहा है, चेक करो। जरा दिखाओ कौन सा डोगी है ये। ओए ना ना, मेरे कोल ना लेके आई इनू। ओए ओए, ये है जी लीजा, इसका नाम है लीजा। ओए मेरे पास ना लेके आए, इसको मैं बहुत मारूंगा। हाँ, कैमरे की तरफ देख लो, ये लो जी, ये अब्दुल्ला का डोग है जो कि पूरा दिन चीची पै पै भाव भाव लगा होता है, हमारे नाक में दम करने लगा होता है। इसकी पूंछल चेक करो। चलो अब्दुल्ला लेके जाओ इसको। भाई एंड ये वीडियो के लिए मैंने ब्लू स्टिंग भी उठा लिया, मैंने बड़े कमेंट्स पढ़े हैं इसके। भाई ब्लू स्टिंग तो ये फाइनली ले ही लिया आपके भाई ने। वीडियो कमिंग सून, या बोल यार। तो भाई लोग, वीडियो वगैरह मैंने इसकी शूट कर ली है, शॉर्ट्स पे अपलोड हो गई होगी, जाके जरूर देखना। ओके, आधी एक मैंने ये मुका दी है, अब बैठ कर इसकी एडिटिंग शेडिटिंग करेंगे। और हमने क्या करना है, ये देखो व्लॉग की स्टार्टिंग में मेरे हाथ में स्टिंग के अलावा पेचकस भी पकड़ा हुआ था। तो ये देखो, यहाँ से भी मैंने खोल लिया है, यहाँ से भी खोल लिया है, यहाँ से भी खोल लिया है, और यहाँ से भी खोल लिया। और ये पड़ा हमारा सारा सामान, ये देख रहे हो। ये रूम पहले हुआ करता था मेरे भाई का, तो अब ये रूम मेरी मलकियत है। ये देखो, यहाँ पे मेसी वेसी चला के सो जाते हैं। अभी अभी ब्लू स्टिंग की वीडियो एडिट करके अपलोड करके हटा हूँ यहाँ पे बैठा, और सिर्फ 25 मिनट में आपने उस पर 1000 लाइक करवा दिया टिकटॉक पे। यार प्यार हो गया मुझे आपसे। तो भाई, हमने यहाँ से शीशा उतार लिया था, मैंने आज ही सुराख करवाया स्पेशल बंदे को बुलवा कर, क्योंकि मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं थी। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, हम अपना सामान उठाएंगे। यार पेचकस भी मैं लेके आया था, पेचकस किधर गया? आई डोंट नो मैंने किधर रख दिया। हमने ये शीशा फिट करना है, आओ आपको दिखाता हूँ। तो आ गया मैं दूसरे रूम में, ये पड़ा हमारा मिरर। हेलो, हमने ये इस वॉल पर फिट करना है। देखो, मैंने 4 सुराख करवाए हैं इधर। जो मेरे पास सपोर्ट थी ना, ये कुछ पड़ी हुई थी घर, ये फंस चुकी है बंदर, लेकिन मैंने बड़ी सपोर्टें भी मंगवा ली थी। ये देखो, ये बड़े साइज की सपोर्टें हैं जो के बिल्कुल फिट आएंगी इधर थोड़ा मारने पर। यार मैं पेचकस भी लाया था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। ये पड़ा मिल गया, और वो देखो ट्राईपॉड भी पड़ा हुआ है। इधर खड़े होकर वीडियो बना रहा था अपनी टिकटॉक की। Much later. तो भाई लोग, देखो बहुत सारे काम के बाद मैंने फाइनली शीशा इंस्टॉल किया है, चेक करो। ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली लग गए हैं, लेकिन ये दोनों थोड़े से ना लूज हैं, कि ये वाला भी और एक ये वाला भी ना, दोनों ही थोड़े से लूज हैं, लेकिन फिर भी स्टैंड है, चेक करो। तो भाई बहुत ही बड़ी न्यूज, कल सेकंड ईयर क्लास का फर्स्ट डे है, दोबारा कॉलेज ओपन हो रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी में यूनिफॉर्म मैंने निकाल लिया है, और ये टाई भी हमने निकाल ली अपनी, और ये स्टूडेंट कार्ड भी निकाल ली आपके भाई ने। हम सब बॉयज ने प्रोग्राम बनाया है कि कल तो सब इकट्ठे होंगे, लाजमी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा। वैसे बाद में जाना किसने है? कितने जाना कॉलेज है, मैंने बताया दसो कितने जाना कॉलेज। एकेडमी ज्वाइन की है एक, वहाँ हमने यकम से जाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यकम सितंबर से हमने एकेडमी ज्वाइन करनी है। बिकॉज सेकंड ईयर में प्रोग्रामिंग है, मैं वो खुद नहीं पढ़ सकता। फर्स्ट ईयर में तो बेसिक्स थी कंप्यूटर की, वो तो हमने इजिली अंडरस्टैंड करके पेपर दे आए थे, और कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। सेकंड ईयर में प्रोग्रामिंग है, वो करने के लिए हमें सर असद की बहुत ज्यादा जरूरत है। असद पढ़ाते हैं बहुत ही बंबू अकेडमी में, काफी क्लासमेट्स ने वही वाली अकेडमी ज्वाइन कर लिया है, और मैंने भी कर ली है। तो भाई कल हमारा फर्स्ट डे ऑफ सेकंड ईयर है, बड़ा ही मजा आने वाला है। दुआ करना कि अल्लाह ताला फर्स्ट ईयर में पास कर दे, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है। बिकॉज मैंने कंसेप्चुअल पेपर दिए हैं सारे, मेरे लिए खुशी की अंत है अगर मैं पास भी हो गया तो, इंशाल्लाह ताला हो जाऊंगा। द नेक्स्ट डे, देख लिया अपने भाई को, आए आए यूनिफॉर्म में आ गए हैं हम, पता नहीं कितने दिनों बाद। बहुत अच्छा लग रहा है जाने का, क्योंकि फर्स्ट डे और सेकंड ईयर है, अच्छा तो लगेगा ही, बाद में समझ रहे हो। मैं भट्टी का इंतजार कर रहा हूँ, हसनैन का इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पर 7:45 टाइमिंग है, मैं घंटे पहले ही रेडी होकर बैठा हूँ। व्लॉग्स व्लॉग भी कर रहा हूँ, शॉर्ट व्लॉग भी कर रहा हूँ। मुंबई लेकर जाने दें बस, कॉलेज के अंदर नहीं भी लेके जाने देंगे तो हम चुपके से लेके बढ़ जाएंगे। शूज भी निकाल लिए मैंने अपने कोबरा वाले, यार ये शूज बड़े वो हैं यार, मैं ये मैट्रिक से यूज करता आ रहा हूँ, अभी तक ही खराब नहीं हुए। सिलाई करवा ली थी मैंने नीचे से,
लेकिन मैट्रिक्स से यूज कर रहा हूँ, सोच कर अंदाजा लगा सकते हो मैट्रिक्स से। 1-2-3 शूज चलते हैं, 1.5 साल ब्रांड का भी ले लेते हैं। पता नहीं ये कौन से ब्रांड के, 2-2.5 साल चल गए और अभी तक चल रहा है। 20 minutes later तो भाई फाइनली कॉलेज पहुंच गए हम। भाई आई हैव नो आइडिया कि मेरे से मोबाइल ले लें या ना लें, लेकिन कॉलेज में इस वक्त कोई भी नहीं है। अब्बास है हमारा, इसे तो आप जानते ही हैं, और कोई टीचर नहीं आया अभी, बिकॉज फर्स्ट डे सेकेंड ईयर का। वो कुछ बॉयज खड़े हुए हैं हमारे, अंदर चलते हैं। कैमरे शैमरे तो नहीं लग गए अंदर? हाँ वाकई कोई नहीं है, टीचर ही नहीं आए टाइम पे आज। चाचा जी नान तो सस्ता कर दे हो यार, 20 रुपए का नान। चाचा जी क्या क्या मेन्यू में, इसमें क्या खोला? चावल, इसमें मुर्गा, इधर मुर्गा, कलेजी कलेजी मुर्गा, इसमें मीठा चावल छोटे दा, ए दे चने चने माशाल्लाह चने। यार चाचा एक गल है यार, यार इसे तो समझाओ यार, कहता मन इसी देना। भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार, कॉलेज से टाइम से ही वापसी हो गई। इतनी कोई गर्मी थी कॉलेज में, और फर्स्ट डे था हमारा, और फर्स्ट डे ही हमने बेइज्जती करवा ली। दरअसल फर्स्ट डे था, कुछ न्यू बच्चे भी आए हुए थे फर्स्ट ईयर के, जैसे लास्ट ईयर मैं था वहाँ पे। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम सेकंड ईयर क्लास उठी और फर्स्ट ईयर वालों से ना मिलने के घर से हम चले गए जरा फर्स्ट ईयर की क्लास में। फर्स्ट ईयर की क्लास 7 एडमिन साहब का ऑफिस है, यानी कि ना प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है। हम उनकी क्लास में गए तो हमारी क्लास के एक बच्चे ने कर दी शरारत, सॉरी सेकंड ईयर ने वहां से दुड़की लगाई और बहुत ज्यादा शोर हुआ, जिसकी वजह से हमारे सर आए क्लास में और पहले दिन ही हमें इतना डांटा। सर ने कहा जो जो था वहां पे खड़े हो जो, अपनी ईमानदारी से हम डेढ़ ठड्डी हम नहीं खड़े हुए। तो सर वापस गए वहाँ से फर्स्ट ईयर क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास से जाकर पूछा कि हाँ भी कौन कौन था। फिर उन्होंने बताया हमदान, उकाशा, हसनैन और अबरान थे, चारों का नाम ले लिया। थे तो बहुत सारे, तो सर आ गए, सर ने हमें खड़ा कर लिया और बाहर हमें 15-20 मिनट धूप में खड़े रखा। पहले दिन गए और पहले दिन ही हमने अपनी इंसल्ट करवाई, ये होते हैं बैक बेंचर। तो मैं बैक बेंचर हूँ, मैं कौन सा फर्स्ट बेंचर हूँ? बैक बेंचर है, हम बैक बेंचर। यार तो आपके भाई को ना एडिटिंग में ना बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि ना यार मेरे जो हैंड फ्री है ना वो खराब हो गई थी। तो मैं अभी ये मार्केट में जाके न्यू हैंड फ्री लेके आया हूँ, और यार ये बड़ी कमाल की है, लेफ्ट राइट हैंड फ्री है। लेकिन जो पहले थी ना यार वो भी बहुत औसम थी, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा औसम है, मजा आएगा इससे एडिटिंग का। ये है कोई कंपनी, ये कोई AWA, ये देखो कुछ ऐसी शक्ल है इसकी, लेफ्ट राइट। और इस व्लॉग के साथ साथ आपको एक बहुत ही मजे की चीज और बताऊं, मैंने भाई अडोबी फोटोशॉप की क्लासेस लेना स्टार्ट की हुई हैं। यूट्यूब चैनल GFX मेंटोर सर इमरान, और आपको मजे की बात बताऊं, मैंने अडोबी प्रीमियर प्रो भी सर इमरान से सीखा हुआ है, GFX मेंटोर चैनल से। और टिकटॉक पर अक्सर सवाल आते रहते हैं, आपने कोर्स कहाँ से किया है, आप कौन सी ऐप यूज करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपनी वीडियोस के एडिटिंग के लिए। तो भाई मैं इधर भी बता दूं, अडोबी प्रीमियर प्रो CC यूज करता हूं। और अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल GFX मेंटोर पर सीख सकते हैं। सर इमरान है, उन्होंने माशाल्लाह हर चीज की क्लास दी है और बहुत ही कमाल। मैंने प्रीमियर की एडवांस क्लासेस भी अभी लेनी है, लेकिन फिलहाल मैं फोटोशॉप सीख रहा हूँ। अब बात ये आती है कि मैं फोटोशॉप क्यों सीख रहा हूँ। यार दरअसल अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाने के लिए मैं फोटोशॉप सीख रहा हूँ, कोई काम वगैरह मैंने स्टार्ट शूट नहीं करना, मैं जस्ट थंबनेल्स के लिए फोटोशॉप सीख रहा हूँ। तीसरी क्लास थी आज, कोई है 35-40 क्लासेज हैं वो ले लेंगे, फिर हैवी थंबनेल्स आएंगे। या वो भाई लोग रात के बज रहे हैं 12, मैं अभी फ्रेश हो गया हूँ, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी बहुत पै रही है पाकिस्तान से यार, की करिए। अब मैं अपना लैपटॉप शैपटॉप उठा के जा रहा हूँ AC वाले रूम में, व्लॉग शॉक एडिट करना है। तो भाई फिर बहुत सारी इंजॉयमेंट के साथ आज का व्लॉग फिर करते हैं जी यहीं खत्म। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।